कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। किसी जंगल में ऊंट और सियार की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो दोनों साथ साथ ही जंगल में घूमा करते थे। एक दिन की बात है, सियार ने ऊंट से कहा, ऊंट भैया, नदी के किनारे बहुत बड़ी खेती हुई है तरबूज की, चलिए वहीं चलते हैं और पेट भर भोजन करते हैं। ऐसा सुनकर ऊंट खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि बहुत दिन के बाद भर पेट भोजन मिलेगा। ऐसा सोचकर ऊंट और सियार नदी के किनारे जाते हैं। फिर सियार ऊंट से बोलता है, ऊंट भैया, मैं नदी कैसे पार करूंगा? तब ऊंट ने कहा, सियार, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। ऐसा कहकर ऊंट के पीठ पर सियार बैठ गया और ऊंट ने सियार के साथ नदी को पार कर लिया और दोनों खेत में पहुँच गए और वहाँ बहुत सारे तरबूज लगे हुए थे। दोनों टूट पड़े तरबूज पे और खाने लगे। सियार का पेट छोटा होने के कारण जल्द ही भर गया, लेकिन ऊंट का पेट तो बहुत बड़ा था, वो कहाँ जल्दी भरने वाला था। फिर सियार ऊंट से बोलता है, ऊंट भैया, खाना खाने के बाद मुझे गाना गाने की आदत है। ऊंट बोलता है, नहीं सियार, गाना मत गाओ, अगर तुम गाना गाओगे तो खेत का मालिक आ जाएगा। पर सियार कहाँ मानने वाला था और वो गाना गाना चालू कर दिया। मीठे मीठे खरबूजे खा के मेरा पेट भर गया, मेरा पेट हुआ हुआ। और वही हुआ जिसका ऊंट को डर था। सियार की आवाज़ सुनकर खेत का मालिक वहाँ आ जाता है और उसे देखकर सियार झाड़ियों में छिप जाता है। लेकिन ऊंट इतना लंबा चौड़ा, वो कहाँ छिपता। इस चलते खेत का मालिक ऊंट पर डंडे बरसाने लगता है, उसे मारते मारते अधमरा कर देता है। किसी तरह ऊंट अपना जान बचाकर वहां से भागता है। फिर क्या देखता है कि नदी के किनारे सियार ऊंट का इंतज़ार कर रहा है। फिर सियार ऊंट से बोलता है, ऊंट भैया, मुझे भी नदी पार करा दो, तुम मेरे दोस्त हो, जिस तरह से मुझे लाए हो मुझे पार करा दो। तो ऊंट उसको मजा चखाना चाहता है, इस चलते बोलता है, हाँ सियार, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पीठ पर मार खाने का घाव है, फिर भी मैं तुम्हें आराम से अपने पीठ पर बैठा कर नदी पार करा दूंगा। इतना ऊंट ने कहा, सियार उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया और ऊंट नदी में उतर गया। जब ऊंट और सियार बीच नदी में पहुँचे तो ऊंट ने सियार से कहा, सियार भाई, खाना खाने के बाद मुझे नदी में डूब डूब कर नहाने की आदत है। और ऊंट नदी में डुबकी लगाने लगा तो सियार डर गया और बोला, नहीं नहीं ऊंट भाई, आप ऐसा मत करो, मैं डूब जाऊंगा। पर ऊंट उसका कहाँ सुनने वाला था। ऊंट बीच नदी में बार बार डुबकी लगाने लगा और सियार उसके पीठ से फिसल कर गिर गया नदी में और डूब कर मर गया और ऊंट निकल कर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा सियार ने किया वैसा उसको मिला। आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।